फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में। आज फिर से आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये जो वीडियो भेजा है ये आसिफ भाई ने भेजा है। शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपकी बदौलत हम अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन का अपडेट दे पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और सुनने में ये आ रहा है कि देश के ये टॉप 5 प्लेटफॉर्म में से एक होगा जिसकी लंबाई सर्वाधिक होगा। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गिना जाएगा पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और जो बाएं साइड में जो प्लेटफॉर्म बन रहा था, ये देखिए कि टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म डेमो ट्रेन के लिए बनाया जा रहा है। साथ में उसके बाएं दिशा में एक और ट्रैक बनाया जा रहा है जिससे कि जब कोई ट्रैक खाली हो तो उसको वहां पर खड़ा किया जा सके। तो जैसा कि लंबाई इस प्लेटफॉर्म की सुनने में आ रहा है वो लगभग 900 मीटर के करीब में लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जबकि जो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर के करीब में है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से भी जो पानी की पाइप है उसके लिए पिलर्स लगा दिए गए हैं लोहे के। थोड़ा यहाँ से करीब से देखिएगा फुट ओवर ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे उतारा जा रहा है, तो वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से देख सकते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी कार्य बहुत बाकी है। तो अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो ट्रेनों का संचालन है वो जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बीसलपुर शाहजहाँपुर दिशा वाली जो भी ट्रेनें हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आया जाया करेंगी। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्लेटफॉर्म नंबर 4 अभी तैयार नहीं हुआ है तो किस तरह से पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में सीआरएस हो सकता है। हालांकि पीलीभीत से बीसलपुर के बीच में जो ट्रैक है वो पूरी तरह से तैयार है और लगभग कई बार मालगाड़ी भी वहाँ पर माल लेकर जा चुकी है। यहाँ से देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज का नज़ारा किस तरह से उतारा जा रहा है। हालांकि अभी रैंप नहीं बनाया गया है इसकी विपरीत दिशा में। और यहाँ से टीन शेड का नज़ारा भी देखिए, तो फर्श इस हिस्से में भी बनना बाकी है और जो फुट ओवर ब्रिज है इसमें भी काफ़ी समय लग जाएगा, अभी लगभग इसको बनने में लगभग 10 से 15 दिन। तो आप मान के चलिए 10 दिन कम से कम आराम से लग जाएगा इस कार्य को पूरा होने में प्लेटफॉर्म नंबर 4 को, तब जाकर कहीं सीआरएस होगा। तो एक तरह से काफ़ी तेज चर्चा हो गई थी कि यहाँ पर जल्द ही सीआरएस होने वाला है, लेकिन अभी चूंकि आपने देखा तो जब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर काम ही नहीं पूरा है तो किस तरह से सीआरएस हो सकता है। ये देखिएगा, ये टनकपुर की दिशा में जो टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ये वहाँ का नज़ारा है। कभी मीटर गेज के समय भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म हुआ करता था और टनकपुर की दिशा में ट्रेनों का संचालन हुआ करता था इस टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म से, जब मीटर गेज का यहाँ पर ट्रैक हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन के दूसरी दिशा का नज़ारा है, एक बरेली की दिशा का और एक दूसरी जो टनकपुर की दिशा का। अब चलिए बात अगर हम मैलानी की दिशा की कर ली जाए तो पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच में जो हिस्सा है आप मान के चलिए माला का, जहाँ पर बहुत ही घना जंगल पड़ता है और वन्य जीवों का आना जाना वहाँ पर लगा रहता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो, तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में वन्य जीव पाए जाते हैं, तो उनको इस रेल लाइन से खतरा हो सकता है। और मेरे ख्याल से रेलवे वालों को 12 अंडरपास की अगर मांग की जा रही है वन विभाग द्वारा तो उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर पीलीभीत मैलानी वाला है ये हिस्सा अगर जोड़ा नहीं गया और इसमें आपसी सहमति वन विभाग और रेलवे बोर्ड में नहीं बनती है तो काफ़ी समस्या होगी, वरना इस रेल लाइन का बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि सीतापुर तो एक तरह से दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लखीमपुर गोला और मैलानी वाले लोग इस रेल सेवा से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे और काफ़ी हिस्सा यही इंतज़ार कर रहा है कि एक तरह से जैसे ही पीलीभीत से मैलानी का ये हिस्सा जुड़ जाएगा तो पूरी तरह से दिल्ली तक लखीमपुर मैलानी गोला वाले जुड़ जाएंगे, उनके लिए काफ़ी सुगम हो जाएगा यात्रा करना दिल्ली से सीधे गोला मैलानी लखीमपुर के लिए। तो इस परियोजना का पूरा होना बहुत ज़रूरी है पीलीभीत से मैलानी के बीच में, या कह लीजिए शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में। और जिस ट्रैक पर अभी फिलहाल चल रहे हैं आसिफ भाई, ये टनकपुर की दिशा में जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा तो ये मैलानी की दिशा में ट्रैक जा रहा है बिल्कुल सीधा, और उधर दाएँ दिशा में शाहजहाँपुर की दिशा में जा रहा है। ये बर्रा रेलवे क्रॉसिंग है और यहाँ पर देख सकते हैं
ये केबिन बना हुआ है क्रॉसिंग को बंद करने के लिए। तो हम बात यही कर रहे थे कि अभी भी केंद्र में और राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर दोनों गवर्नमेंट चाहेंगी तो आपसी सहमति से इसका हल निकाला जा सकता है। और खुदा ना करे अगर ये 2 साल जो बचे हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के यूपी में, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो फिर एक तरह से असहमति बन जाएगी दोनों अलग अलग गवर्नमेंट के होने से, तो ये परियोजना पूरी तरह से अटक जाएगी पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच में जो हिस्सा बचेगा। तो अभी कुछ समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, बाद में समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ के सांसद पीलीभीत के वो भी वरुण गांधी हैं बीजेपी के, और साथ में लखीमपुर के सांसद अजय मिश्र टेनी जी भी सांसद हैं लखीमपुर के, तो केंद्र में उनकी पहुंच है। तो आपसी सहमति से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि वन्य जीव भी बहुत ज़रूरी हैं हमारी पृथ्वी के लिए, संतुलन बना रहता है एक तरह से, इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहता है पूरा का पूरा परितंत्र। क्या पृथ्वी, क्या हम लोग, क्या जानवर, सब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन से आज तक का ये लेटेस्ट अपडेट? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी नया लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।